हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरू ज्योमेटिक्स। आज हम नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ज्योग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम मींस जीआईएस। इससे रिलेटेड हमारे पास गेट वगैरह में जितने भी एग्जाम्स होते हैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास जीआईएस। रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन जाता है हमारे लिए। तो जीआईएस रिलेटेड इसके अंदर भी हमारे पास जो मेन यूनिट्स है वो है सेकंड यूनिट्स। तो हम सेकंड यूनिट को और अच्छे से पढ़ेंगे जिसके अंदर हमें जीआईएस डेटा मॉडल्स या जीआईएस डेटा टाइप्स क्या हैं वो भी देखेंगे। उसके साथ साथ स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है और हमारे पास नॉन स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये हम पूरा कवर करेंगे। सबसे पहले आज हम फर्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ जीआईएस और जीआईएस क्या चीज़ है और क्यों इम्पोर्टेंट है और इसके जितनी भी एप्लीकेशन है वो देखेंगे। उसके बाद हमारे पास DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, वो भी हम देखेंगे। लेकिन आज जो हम देखते हैं वो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ जीआईएस यूनिट वन कवर करेंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ जीआईएस में हम देखेंगे कि डेफिनेशंस ऑफ जीआईएस क्या होता है और कंपोनेंट्स देखेंगे। यही दो हमारे पास मेन चीज़ हैं। उसके बाद हमारे पास जीआईएस को कंपेयर करेंगे कि साइंस और टेक्नोलॉजी हम कैसे उसको व्यू देख सकते हैं, जीआईएस एक साइंस या फिर टेक्नोलॉजी कैसे है वो देखेंगे। तो मेन हमारे पास है कंपोनेंट्स ऑफ जीआईएस, एक डायग्राम के थ्रू हम इसको ईजिली वे में समझ लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जीआईएस। जीआईएस जैसे कि पता है उसकी फुल फॉर्म भी कभी कभी हो सकता है पूछ ली जाए। जीआईएस की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, वो है हमारे पास जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो हमारे पास चीज़ ध्यान रखने वाली है वो है जियोग्राफिकल है, हमारे पास जियोग्राफिक नहीं है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम को जीआईएस कहते हैं। यू हैव रीड इन द अर्लियर यूनिट्स अबाउट रिमोट सेंसिंग मैपिंग डिजिटल इमेज इंटरप्रिटेशन एंड GPS। इन दिस यूनिट यू विल बी इंट्रोड्यूस टू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ जीआईएस। इन स्पाइट ऑफ एवर इंक्रीजिंग एनवायरमेंटल अवेयरनेस अर्थ एनवायरमेंट इज नॉट स्टिल वेल अंडरस्टूड। GIS has emerged as an all-encompassing tool to understand the earth and its environment. तो जनरली जियोग्राफी मतलब के जो अर्थ का फिजिकल स्ट्रक्चर है उसके बारे में समझना, उसके लिए इंफॉर्मेशन गैदर करके ये उसका एक सिस्टम है जिसके अंदर हम प्रोसेसिंग करते हैं, स्टोर करते हैं और जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको ओवरव्यू करते हैं। तो ये एक सिस्टम है हमारे पास जिसके अंदर इंफॉर्मेशन कैप्चर करके प्रोसेसिंग किया जाता है। GIS आर ए स्पेशल क्लास ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम डैट कीप ट्रैक नॉट ओनली ऑफ इवेंट्स बट ऑल्सो वेयर द इवेंट्स आर ऑपरेटिंग। ड्यू टू इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द रियल वर्ल्ड सिचुएशंस मोर चैलेंजेस इमर्ज अबाउट इज नोइंग अबाउट द मदर अर्थ एंड ऑल्सो इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो अर्थ के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं अर्थ के ऊपर, तो जितनी भी सारी चीज़ें हैं उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं GIS की हेल्प से। अब बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं तो वो सारा मैनुअली करना बहुत मुश्किल होता है, तो हम एक सिस्टम के थ्रू करते हैं। GIS इज़ कंसिडर्ड एज एन इम्पोर्टेंट टूल इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो ये जो टूल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग के लिए। एज ए कॉन्सिक्वेंस इट हैज बीन एक्सटेंसिवली इनकॉर्पोरेटेड इन मैनी एरियाज सच एज कैडेस्ट्रियल मैपिंग में यूज होता है, लैंड यूज प्लानिंग, फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, मिलिट्री सर्विलेंस, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, नेटवर्क प्लानिंग, फैसिलिटी सिलेक्शन, इंक्लूडिंग मैनी सोशियो इकोनॉमिक एप्लीकेशन। तो ये सारे एप्लीकेशन हैं हमारे पास GIS के। अब इसमें बचा के कुछ भी नहीं बचा, मीन्स हम GIS को हर एक चीज़ के लिए यूज कर सकते हैं कि अर्थ के रिलेटेड या जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास है तो उसको कैसे मॉनिटर कर सकते हैं या डिसीजन मेकिंग कैसे बना सकते हैं। तो GIS एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल हो गया, आजकल तो बहुत ज़्यादा यूज हो गया इसका। अब देखिए एडवांस एप्लीकेशन भी है, जैसे एयर ट्रैफिक मॉनिटरिंग में कर सकते हैं, रोड नेविगेशन में, क्राइम एनालिसिस में, सो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं GIS की। टुडे मैनी ऑफ अस आर यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी नोइंगली एंड अननोइंगली। हमें कुछ को पता है कि हम GIS यूज़ कर रहे हैं लेकिन बाकी क्या है इससे इंट्रोड्यूस ही नहीं है कि हम जो यूज कर रहे हैं वो GIS है। द एबिलिटी ऑफ GIS टू हैंडल एंड मैनेज वास्ट जियो स्पेशल डेटा मेक्स इट एन इम्पोर्टेंट टूल फॉर ए वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन। तो इसके अंदर क्या बहुत ज़्यादा डेटा जो जियो स्पेशल डेटा मीन्स जो कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन या नॉन स्पेशल डेटा होता है उसको कैरी करता है, उसके लिए भी हमारे पास GIS यूज होता है। तो जो अगर हमारे पास जियो स्पेशल डेटा है तो GIS हमें यूज करके बहुत सारे इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं।
और प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग जो भी आइडियाज होते हैं उनको गैदर कर सकते हैं। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट टूल फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन। इंटीग्रेशन ऑफ GIS टेक्नोलॉजी विद अदर नॉन स्पेशल टेक्नोलॉजी सच एज रिमोट सेंसिंग GPS एंड मोबाइल डिवाइसेज हैज इंक्रीज इट्स एप्लीकेशन पार्टिकुलरली इन द एरियाज ऑफ इंटरेक्टिव मैपिंग साइट बेस्ड सर्विसेज। और तो GPS वगैरह ये क्या कोऑर्डिनेट्स देते हैं, तो उसको हम जियोग्राफिकल डेटा कहते हैं, जिसके बारे में हमें लोकेशन के बारे में पता रहता है, तो जियोग्राफिकल डेटा हो गया। तो अगर वो डेटा हमारे पास जैसे GPS देता है रिमोट सेंसिंग वगैरह से हमें मिल जाता है, तो उसको यूज करके उस डेटा को मैपिंग और साइट बेस्ड सर्विसेज प्रिसाइज फार्मिंग इन व्हीकल नेविगेशन सिस्टम के लिए भी GIS यूज कर सकते हैं। एट प्रेजेंट GIS हैज बिकम द मोस्ट एक्सेप्टेड एंड स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी ऑफ यूटिलाइजिंग जियोस्पेशियल डेटा। दिस टेक्नोलॉजी कैन बी मिसयूज और मिसइंटरप्रेटेड, देयरफॉर ए प्रॉपर नॉलेज ऑफ GIS टेक्नोलॉजी एंड इट्स बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इज असेंशियल बिफोर यूटिलाइजिंग दिस टेक्नोलॉजी। इन दिस यूनिट वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट कंपोनेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ GIS अलॉन्ग विद इट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड करंट स्टेटस। तो जनरली हमें GIS के बारे में इन्फॉर्मेशन उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। अगर हम GIS यूज कर रहे हैं तो उसका मिसयूज भी हो सकता है, लेकिन अगर हमें यूज करना है अच्छे से और इंटरप्रेट करना है डेटा से इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, तो GIS के बारे में पता होना चाहिए। तो GIS तो देख लिया, लेकिन अब उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि एक्चुअली GIS है क्या। ये जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम इज डिफाइंड एज द कंप्यूटर सिस्टम विच इज यूज। तो ये टर्म्स याद रखिए, कैप्चरिंग स्टोरिंग मैनेजिंग क्यूरिंग एनालाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग जियो स्पेशियल डेटा। जियो और से रिलेटेड है, स्पेशियल और नॉन स्पेशियल। स्पेशियल है हमारे पास जिसकी स्पेशियल इन्फॉर्मेशन है, मतलब कोऑर्डिनेट्स या लोकेशन इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। तो अगर हमारे पास जियो स्पेशियल डेटा है तो उसको यूज करके हम इस सिस्टम से जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम से एनालाइज कर सकते हैं, और साथ के साथ ये क्या करता है, कैप्चर भी करता है, स्टोर भी करता है, मैनेज भी करता है। क्वेरिंग मीन्स कि कोई भी क्वेरी है हमारी उसको भी हम रन करवा सकते हैं इस सिस्टम में, और साथ के साथ जो डिस्प्ले करता है ये जो डेटा हमारे पास स्टोर रहता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, ये सारे वर्ड्स आएंगे, कैप्चरिंग स्टोरिंग मैनेजिंग क्वेरिंग एनालाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग। हो सकता है एक मार्क्स क्वेश्चन में पूछ लिया जाए गेट एग्जाम में। GIS helps to evaluate the real world features which are represented as geospatial geographical data in terms of their position means location and in relation to the coordinate systems their attributes spatial interrelation with each other। तो GIS की हेल्प से क्या है, हमारे पास अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम से को भी रिलेट कर सकते हैं उसके एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स मतलब के नॉन स्पेशल डेटा होता है। तो अगर वो सारी इन्फॉर्मेशन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पेशल डेटा को कंसीडर करता है, ये नॉन स्पेशल डेटा को भी कंसीडर करता है। तो वो सारी जितने भी एक दूसरे पॉइंट्स के बारे में एक दूसरे से इंटर रिलेशन भी हम निकाल सकते हैं। जियोस्पेशियल डेटा ऑल्सो कॉल्ड ए जियोग्राफिकल रेफरेंस डेटा डिस्क्राइब बोथ द लोकेशन एंड करेक्टरिस्टिक ऑफ स्पेशल फीचर सच एज रिवर रोड्स कैनाल्स लैंड पार्सल वेजिटेशन कवर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो जियोस्पेशियल डेटा क्या होता है, जियोस्पेशियल डेटा जो होता है वो जियोग्राफिकली रेफरेंस डेटा होता है, मीन्स जिसकी लोकेशन हमें पता रहता है, लोकेशन से रिलेटेड। डिस्क्राइब बोथ द लोकेशन एंड द करेक्टरिस्टिक, और करेक्टरिस्टिक के बारे में कि वो क्या चीज़ है, कितनी बड़ी है, क्या है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन। ऑफ स्पेशल फीचर्स सच जैसे रिवर्स है, रोड्स है, कैनाल्स है, इनकी लोकेशन में मिल सकती है, और साथ के साथ वो कौन सा कलर है उसका, उसके करेक्टरिस्टिक के बारे में। तो ये दोनों को मिला के क्या होता है, जियो स्पेशल डेटा कहलाता है। द ह्यूज प्रोसेसिंग एंड द हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ जियो स्पेशल डेटा डिस्टिंग्विशेस GIS टेक्नोलॉजी फ्रॉम अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो जो इसमें क्या है, जो डेटा जो यूज करते हैं GIS के अंदर, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा भी प्रोसेस कर सकते हैं। तो वही ये बाकी टेक्नोलॉजी से GIS को अलग बनाती है, दिस कैपेसिटी, क्योंकि इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। दिस कैपेसिटी इस्टेब्लिश GIS एज एन इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी फॉर रिसर्च एनालिसिस एनवायरमेंटल मैनेजर्स एंड नेचुरल रिसोर्स प्लानर्स के लिए। ये बहुत यूजफुल हो जाती है। GIS इज डिफाइंड बेस्ड ऑन द डिफरेंट एस्पेक्ट सच एज टूल बेस्ड डेटा बेस्ड एंड ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड। GIS को हम तीन बेस पर डिफाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास टूल बेस्ड। इट इंक्लूड पावरफुल सेट ऑफ टूल्स फॉर कलेक्टिंग स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डेटा एट विल ट्रांसफॉर्मिंग डिस्प्लेइंग स्पेशल डेटा फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। तो टूल बॉक्स बेस्ड भी है हमारे पास, क्योंकि ये सारी चीज़ें कलेक्ट भी करता है, स्टोर भी करता है, रिट्रीव भी करता है डेटा को।
साथ के साथ फिर उसको ट्रांसफॉर्म करके या प्रोसेस करके डिस्प्ले भी करता है। उसके बाद हमारे पास डेटाबेस बेस्ड भी होता है। ये दिस डेफिनेशन इन्वॉल्व ए डेटाबेस सिस्टम, क्योंकि जीआईएस के अंदर डेटाबेस सिस्टम होता है, इन विच मोस्ट ऑफ द डेटा आर स्पेशली इंडेक्स्ड एंड अपॉन विच द सेट ऑफ प्रोसीजर्स आर ऑपरेटेड इन ऑर्डर टू आंसर क्वेरीज अबाउट स्पेशल एंटिटीज इन द डेटाबेस। अब ये क्या है, हमारे पास जीआईएस जो है बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को कैरी कर सकता है, तो उसमें क्या ये डेटाबेस सिस्टम बना लेता है, तो जिससे भी कोई भी क्वेरी होती है उसको रन करता है और जो भी रिजल्ट होता है उसको भी, जो भी आंसर होता है उसको भी दे देता है। तो डेटाबेस के भी हम जीआईएस को डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद है ऑर्गेनाइज्ड बेस्ड। ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड क्या है, दिस डेफिनेशन कंप्राइजेज एन ऑटोमेटेड सेट ऑफ फंक्शंस दैट प्रोवाइड्स प्रोफेशनल विद एडवांस कैपेबिलिटी फॉर स्टोरिंग रिट्रीविंग मैनिपुलेटिंग एंड डिस्प्लेइंग ऑफ जियो स्पेशल डेटा। ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर मीन्स कि वो डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो स्टोर भी करता है रिट्रीव भी करता है, बहुत सारे फंक्शन हैं जीआईएस के, तो उसके बेस पर भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं जीआईएस को। अब हमारे पास डेफिनेशन तो ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ जीआईएस, जीआईएस के कंपोनेंट्स क्या क्या हमारे पास, तो इसका एक डायग्राम है वो देख लेते हैं। पहले पांच कंपोनेंट्स हैं इसके बेसिकली जो हम पढ़ेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ जीआईएस क्या है, पांच कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर। हार्डवेयर सबसे पहले हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर, हार्डवेयर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो भी देखेंगे। उसके बाद है हमारे पास सॉफ्टवेयर, और उसके बाद हम देखेंगे थर्ड डेटा, क्या क्या डेटा यूज होता है इसके अंदर, ये कंपोनेंट्स हैं जीआईएस के, तो ये डेटा का है। और उसके बाद हमारा फोर्थ है पीपल, जो हमारे पास इंटरेक्ट कर रहा है इसको, इसके साथ जो इंटरेक्शन हो रही है। और फिफ्थ है हमारे पास मेथड्स, कि जो किस मेथड से हमारे पास इसको यूज कर रहे हैं जीआईएस को, या फिर ये कौन से मेथड से ऑर्गेनाइज कर रहा है डेटा को। तो सबसे पहले हम कंपोनेंट्स में हार्डवेयर देखते हैं। उससे पहले हम ये चीज़ देख लेते हैं कि जीआईएस के कंपोनेंट्स से रिलेटेड चीज़ें। नाउ यू आर फैमिलियर डेट जीआईएस इज ए कंप्यूटर सिस्टम ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर यूज फॉर स्टोरेज रिट्रीवल मैपिंग एनालाइजिंग ऑफ द जियोस्पेशियल डेटा। द एंटायर जीआईएस इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू इंक्लूड द ऑपरेटिंग पर्सनल एंड डेटा डेट गो इन टू द सिस्टम। स्पेशल फीचर्स आर स्टोर्ड इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम लेटिट्यूड टू लॉन्गिट्यूड। जो स्पेशल डेटा होता है वो लेटिट्यूड टू लॉन्गिट्यूड के फॉर्म में होता है, विच रेफरेंस ए पर्टिकुलर प्लेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो उसकी लोकेशन बताता है, तो किसी एक पर्टिकुलर जगह की लोकेशन बताता है अर्थ के ऊपर, जो भी लोकेशन होगी वो उसकी इन्फॉर्मेशन देता है। द डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स इन टेबुलर फॉर्म, अब उस लोकेशन या उस पॉइंट के बारे में एट्रीब्यूट डेटा भी ये कैरी करता है इन टेबुलर फॉर्म। आर एसोसिएटेड विद द स्पेशल फीचर, स्पेशल डेटा एट्रीब्यूट्स मतलब कि उसके करेक्टरिस्टिक्स अबाउट द फीचर्स अबाउट द ऑब्जेक्ट्स, या जो भी चीज़ की हमें स्पेशल डेटा उसके साथ साथ ये एट्रीब्यूट्स भी कैरी करता है, मीन्स उसके करेक्टरिस्टिक्स। स्पेशल डेटा एंड एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स इन द सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम कैन देन बी लेयर टुगेदर फॉर मैपिंग एंड एनालाइज। अब इसमें एक चीज़ आप पढ़ोगे लेयर्ड, लेयर वाइज ये हमारे पास प्रोसेसिंग करता है, जो जीआईएस करता है वो हमारे पास लेयर वाइज प्रोसेसिंग करता है, और वो तब हो सकती है जब हमारे पास सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम में रहेगा सारा डेटा। फॉर द मोस्ट पार्ट स्पेशल डेटा कैन बी रिप्रोजेक्टेड फ्रॉम वन कोऑर्डिनेट सिस्टम इनटू अनदर, दस द डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज कैन बी ब्रॉट टुगेदर इनटू ए कॉमन डेटाबेस एंड इंटीग्रेटेड बाय यूजिंग जीआईएस सॉफ्टवेयर। तो जीआईएस सॉफ्टवेयर से हम क्या है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज कर सकते हैं, मीन WGS से, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से हम जो डिग्री होता है DMS सिस्टम में कर सकते हैं, डिग्री मिनट सेकेंड्स में। द बाउंड्री ऑफ स्पेशल फीचर्स शुड रजिस्टर अलाइन प्रॉपरली वैन रिप्रोजेक्टेड इन टू द सेम कोऑर्डिनेट। जब सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज करते हैं तो अलाइनमेंट भी सेम होना चाहिए, मीन्स प्रॉपरली अलाइंड होना चाहिए। अनदर प्रॉपर्टी ऑफ ए जीआईएस डेटाबेस इज दैट इट हैज टोपोलॉजी विच डिफाइन्स द स्पेशल रिलेशनशिप्स बिटवीन फीचर्स विद इन द डेटाबेस। द फंडामेंटल कॉम्पोनेंट्स ऑफ द स्पेशल डेटा इन जीआईएस आर पॉइंट्स, लाइन्स एंड पॉलीगन्स। अभी हमारे पास डेटा जो होता है जीआईएस के अंदर वो पॉइंट्स हो सकता है, लाइन हो सकता है, पॉलीगन्स होता है, ये तीन डेटा फॉर्मेट्स होते हैं वो हम आगे देखेंगे। तो ये स्पेशल डेटा के फॉर्मेट्स हैं जनरली जीआईएस। अब इसके अंदर दो और भी होते हैं, वेक्टर होता है, रेस्टेड डेटा होता है, ये सब हम सेकंड यूनिट में देखेंगे। जीआईएस एनालिसिस सच एज मॉडलिंग द फ्लो
through connecting lines in network, combining adjacent polygons that have similar characteristics and overlaying geographic features can only be performed when the topological relationship exists between the spatial features. तो जो भी डेटा होता है उससे नेटवर्क बनता है, नेटवर्क वो, और उसके बाद हमारे पास जैसे हमारे पास पॉइंट डेटा है, लाइन डेटा है, पॉलीगन्स डेटा है, तो ये सारा ओवरलैप हो सकता है जब वो सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो. मींस कैन ओनली बी परफॉर्म व्हेन द टोपोलॉजिकल रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन देम. अब उनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है कि हमने एक लाइन या फिर पॉलीगन जो है डिफरेंट एरिया का है तो उसके ऊपर ओवरले नहीं हो सकता है, तो वो कोई टोपोलॉजिकल रिलेशनशिप जब तक उन डेटा के बीच में नहीं रहेगा तब तक उसके ऊपर परफॉर्म हम जीआईएस जो है कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता है. तो ये एक उसका फीचर भी है जीआईएस का. उसके बाद हमारे पास कंपोनेंट्स है. सबसे पहले हमारे पास हार्डवेयर है. हार्डवेयर कंपोनेंट्स आपको पता है, हार्डवेयर का मतलब कि कंप्यूटर से रिलेटेड है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं. जीआईएस के जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स है जैसे कि हमारे पास टेप हो गया, डिस्क ड्राइव हो गया, डिजिटाइजर स्कैनर हो गया या फिर प्लॉटर या प्रिंटर हो गया. डिजिटाइजर या स्कैनर जो बाहर हमें दिखती है, कंप्यूटर का मॉनिटर हो गया, ये सब हमारे पास हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं. जो नहीं दिखता है वो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हो गया. तो हार्डवेयर के अंदर क्या क्या आता है. हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ जीआईएस इंक्लूड्स ऑल कोर एंड पेरिफेरल इक्विपमेंट सच एज कंप्यूटर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन अ जीआईएस. द सिस्टम इज यूज फॉर डेटा इनपुट. हार्डवेयर किसके लिए यूज होता है, डेटा इनपुट के लिए, स्टोरेज के लिए, मैनेजमेंट के लिए. स्टोरेज के लिए जैसे होता डिस्क थी हमारे पास, डिस्क ड्राइव थी, टेप ड्राइव थी, ये इसमें स्टोर होता है. फिर मैनेजमेंट एनालिसिस एंड डिस्प्ले ऑफ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन. तो ये सारा डेटा को स्टोर, मैनेज और एनालाइज करने के लिए हार्डवेयर का यूज होता है. और जो डेटा इनपुट करता है वो हमारे पास प्लॉटर हो गया, प्रिंटर हो गया, साथ के साथ हमारे पास डिजिटाइजर था, इससे हमारे पास डेटा इनपुट करते हैं हम. क्योंकि जो जीआईएस है वो हमारे पास डायरेक्ट फोटोज नहीं लेगा, वो हमारे पास डिजिटल फॉर्मेट में ही डेटा को एक्सेप्ट कर सकता है. तो उस डिजिटल फॉर्मेट में चेंज करने के लिए हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है. तो वो भी धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि डिजिटाइजर का काम क्या है, स्कैनर का काम क्या है, प्लॉटर, प्रिंटर, ये सब कैसे डाटा को इनपुट करते हैं, आउटपुट करते हैं, वो सब पता चल जाएगा अभी. तो जनरली हार्डवेयर का काम क्या क्या है वो देख लेते हैं. डेटा इनपुट का है, स्टोरेज का, मैनेजमेंट का, एनालिसिस का एंड डिस्प्ले का. कॉमन चॉइस फॉर दिस सिस्टम इज पर्सनल कंप्यूटर विच आर मेनली ऑपरेटिंग इन द विंडोज सिस्टम. जस्ट एज एनी हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, जीआईएस हार्डवेयर ऑल्सो एज सीपीयू एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यूज फॉर डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस. तो सीपीयू का काम क्या है, प्रोसेसिंग करना और एनालिसिस करना. सीपीयू इज लाइक अ हार्ट ऑफ जीआईएस हार्डवेयर आर्किटेक्चर विद कंट्रोल ओवर इनपुट आउटपुट कनेक्टिविटी विद डेटा एक्विजिशन स्टोरेज एंड डिस्प्ले सिस्टम. सीपीयू इज लिंक्ड टू ए डिस्क ड्राइव. स्टोरेज यूनिट प्रोबेबली हार्ड डिस्क ड्राइव एंड प्रोवाइड्स स्पेस फॉर स्टोरिंग डेटा एंड प्रोग्राम्स. तो जो डिस्क ड्राइव वगैरह का काम है, हार्ड डिस्क वगैरह का, वो स्टोर का काम है. और सीपीयू का काम क्या है हमारे पास, प्रोसेसिंग और एनालिसिस का. एंड प्रोवाइड्स स्पेस फॉर स्टोरिंग डेटा एंड प्रोग्राम. द डिजिटल टेप, कैसेट्स, ऑप्टिकल सीडी रोम, डीवीडीज एंड अदर डिवाइस आर कॉमनली यूज फॉर स्टोरेज डिवाइसेज. तो इनका काम भी क्या है, सीडी वगैरह का जो भी होता है स्टोरेज के काम के लिए है. डेटा फैसिलिटेट एक्स्ट्रा स्टोरेज ऑफ डेटा. इन एडिशन मॉनिटर इज यूज फॉर डिस्प्ले. अब जो हमारे पास कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है वो किसके पर्पज़ के लिए होता है, डिस्प्ले पर्पज़ के लिए. वेयर एज जीपीएस रिसीवर्स एंड मोबाइल डिवाइसेज फॉर फील्ड वर्क. तो जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो जीपीएस रिसीवर्स या फिर मोबाइल डिवाइस से करते हैं. डिवाइसेज लाइक डिजिटाइजर. अब इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, वो हमारे पास डिजिटाइजर और स्कैनर का क्या काम है. तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको देखिए कि डिजिटाइजर एंड स्कैनर आर यूज टू कन्वर्ट नॉन डिजिटल डेटा सच एज मैप्स एंड डॉक्यूमेंट्स इन टू डिजिटल फॉर्मेट विच लेटर कैन बी यूज इन द कंप्यूटर प्रोग्राम्स या फिर जीआईएस सॉफ्टवेयर के अंदर. जो डेटा इनपुट होता है वो डिजिटल फॉर्मेट में होता है, ना कि नॉन डिजिटल फॉर्मेट में होता है. नॉन डिजिटल डेटा कौन सा हो गया, या तो मैप हो गया, फोटोग्राफ्स हो गए, उन सबको स्कैन करते हैं, या फिर डिजिटाइजर होता है जो इलेक्ट्रिकली चलता है, फिर उससे क्या डिजिटल फॉर्मेट में डेटा को चेंज करते हैं. और फिर वो जो डिजिटल फॉर्म में जब चेंज हो जाता है तब उसको उस डेटा को प्रोसेस करते हैं जीआईएस के अंदर. तो डिजिटाइजर क्या है कि ए डिजिटाइजर इज ए फ्लैट बोर्ड यूज फॉर वेक्टराइजेशन ऑफ एनी मैप ऑब्जेक्ट. तो कोई भी मैप ऑब्जेक्ट है या फिर मैप है जो नॉन डिजिटाइजर डेटा है उसको
डिजिटाइजर में या वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डिजिटाइजर का यूज़ होता है। और प्लॉटर क्या है कि इज़ यूज टू प्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ द डेटा प्रोसेसिंग इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी। तो ये क्या हमारे पास आउटपुट के लिए यूज होता है, ये हमारे पास आउटपुट के लिए है, ये हमारे पास इनपुट के लिए, ये हमारे पास स्टोरेज के लिए, और ये हमारे पास डिस्प्ले के लिए। और जो डेटा को कैरी करते हैं या कलेक्ट करते हैं वो हमारे पास जीपीएस रिसीवर्स या फिर मोबाइल डिवाइसेस। तो ये सारे हार्डवेयर के टाइप्स हैं और इनका क्या क्या काम है वो ध्यान रखना है। अर्लियर इन ऑर्डर टू कैरी आउट कॉम्प्लेक्स जीआईएस ऑपरेशंस लार्ज मेन फ्रेम्स कंप्यूटर्स वर यूज, बट टूडे यूजर्स हैव वाइडर चॉइसेस रेंजिंग फ्रॉम पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर्स टू मल्टी यूजर सुपर कंप्यूटर्स। प्रेजेंटली मोस्ट जीआईएस आर इम्प्लीमेंटेड इन अ नेटवर्क प्लेटफॉर्म विद क्लाइंट सर्विस इंटरफेस। दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द वर्क अमंग डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स इन ए यूज्ड नेटवर्क। इन दिस टाइप ऑफ क्लोज सिस्टम सर्वर यूज टू स्टोर डेटा एंड सॉफ्टवेयर एंड क्लाइंट इज द सिस्टम यूजर टू एक्सेस द सर्वर। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन हमारे पास ऊपर था तो हार्डवेयर के बारे में, उसका क्या काम है और कौन कौन से टाइप्स ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं वो सारे देखने हैं और ध्यान से रखने हैं। उसके बाद है सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर जो दिखता नहीं है हमारे पास, जिसको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते। जीआईएस सॉफ्टवेयर विच इंक्लूड्स प्रोग्राम इज रिक्वायर्ड टू ड्राइव वेरियस फंक्शंस ऑफ जीआईएस। दे आर एसेंशियली फॉर एंट्री, इनका क्या काम है, एंट्री के लिए, स्टोरेज के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, एनालिसिस के लिए, मैनिपुलेशन एंड डिस्प्ले ऑफ डेटा, बहुत स्पेशल एंड नॉन स्पेशल। तो जैसे हार्डवेयर था उसको तो हम फिजिकली टच कर सकते थे, उनका भी काम था डेटा को डालना, आउटपुट, ये सब हमारे पास जो फिजिकली प्रेजेंट कर सके। लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर क्या है, मेन सारा काम जो होता है सॉफ्टवेयर के अंदर होता है। जीआईएस सिस्टम जो है वो भी एक सॉफ्टवेयर ही है, तो उसके अंदर एंट्री होती है डेटा की, स्टोर भी करता है वो, प्रोसेसिंग उसी के अंदर होती है, एनालिसिस होती है, मैनिपुलेशन होती है, और फिर लास्ट में वो जो भी रिजल्ट होता है उसको डिस्प्ले करता है। लाइक एन अदर सॉफ्टवेयर जीआईएस सॉफ्टवेयर इज यूज़र फ्रेंडली एंड कॉस्ट इफेक्टिव। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है जीआईएस और यूजर फ्रेंडली भी है, मीन्स इजीली यूज भी कर सकते हैं इसको और इतना महंगा भी नहीं है। द मेन यूजर इंटरफेस इन जीआईएस आर मेन्यूज, कमांड लाइंस, स्क्रिप्ट्स एंड ग्राफिकल आइकन्स। इसके अंदर जो मेन्यूज होते हैं, कमांड लाइंस होती हैं, स्क्रिप्ट्स और ग्राफिकल आइकन्स, अगर आपने कभी जीआईएस सॉफ्टवेयर देखा होगा, जैसे आर्क जीआईएस है, क्यू जीआईएस है, तो क्यू जीआईएस तो फ्रीली अवेलेबल है, आप चाहो तो इसको डाउनलोड करके भी सीख सकते हो। एस जीआईएस पैकेज हैज़ ए मैराइड ऑफ द फंक्शंस इनहेरेंट टू देम, एक्सटेंशंस और एड ऑन्स विल एक्सटेंड द कैपेबिलिटी ऑफ द जीआईएस फंक्शनैलिटी। टिल 1919 द जियो रिलेशनल डेटा मॉडल विद इट्स डिफेक्टो स्टैंडर्ड वाज इम्प्लीमेंटेड, हाउएवर द ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटा मॉडल रिप्लेस द जियो रिलेशनल डेटा मॉडल। तो ये जो जितने भी ऑब्जेक्ट रिलेशनल होते हैं या फिर जियो रिलेशनल होते हैं, ये डेटा मॉडल्स हैं जो हम डेटा मॉडल्स की यूनिट में कवर करेंगे। तो सॉफ्टवेयर का काम है, उसके बाद हम DBMS भी है कि इन जियोग्राफिकल डेटा मॉडल, ग्राफिकल डेटा कंपोनेंट्स ऑफ जियोस्पेशियल डेटा एंड डेटा मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ नॉन जियोस्पेशियल डेटा और सेपरेटली हैंडल एंड कनेक्टेड बाय ए प्रॉपर्टी इंटरफेस। तो हमारे पास जो जियोस्पेशियल डेटा होता है उसका DBMS बना के, और जो जियोस्पेशियल डेटा होता है उसका ग्राफिकल डेटा, उन दोनों को अलग अलग हैंडल करता है। तो हमारे ऊपर है कि हम कौन सा डेटा मॉडल या फिर कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स होते हैं जो आगे देखेंगे। ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल है जिसको समझाया गया, क्योंकि इन ऑब्जेक्शनल रिलेशनल डेटा मॉडल बोथ ग्राफिकल एंड डिस्क्रिप्टिव डेटा आर स्टोर्ड इन अ सिंगल डेटाबेस। तो जो ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटा मॉडल होता है उसके अंदर जो ग्राफिकल और डिस्क्रिप्टिव मीन्स जिसमें हम लिखते हैं, वो दोनों एक ही डेटाबेस के अंदर स्टोर होते हैं। द न्यू यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज हैज एनहेंस द कैपेबिलिटी ऑफ जीआईएस एंड मेड अ जीआईएस ए स्मार्ट मशीन फॉर जियोग्राफिकल नॉलेज। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट देखते हैं डेटा, थर्ड कॉम्पोनेंट्स है, वो बीच का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वही तो बता देता हूँ। और मेन तो हमारे पास इनके नाम याद रखने हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, पीपल, और जो भी मेथड है, वो पांच हमारे पास कॉम्पोनेंट्स हैं, बस ये नाम थोड़े याद रखने। और हार्डवेयर के अंदर मैंने बताया था कि कौन से हार्डवेयर का क्या काम है वो भी याद रखना है। डेटा क्या है, डेटा कि कौन सा डेटा हमारे पास जीआईएस एक्सेप्ट करता है, जैसे डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब इसके अंदर भी डेटा रास्टर होता है, वेक्टर होता है, तो वो सारी चीज़ें हैं
Data is an important component of GIS. GIS data comprise various types of input. Data inputs are essential for GIS system. ये बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सा data inputs ये accept करता है. To produce information, as you have already read in the previous units, large volume of high resolution data are widely available at affordable cost due to the recent developments in the remote sensing and GPS technology. तो आजकल remote sensing और GPS से क्या है हमारे पास affordable cost पे बहुत ज़्यादा quantity में हाई रेजोल्यूशन डेटा मिल सकता है जिसको हम GIS में यूज कर सकते हैं. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा एंड ट्रिमेंडस डेवलपमेंट ऑफ GIS टेक्नोलॉजी. इन ऑर्डर टू स्टोर एंड मेंटेन लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा द यूज ऑफ डेटा अब इतना बड़ा लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा कोई ये स्टोर करता है साथ के साथ प्रोसेस करता है तो उसके लिए क्या है इसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जरूरत पड़ती है. द डेटा इनपुट ट्रांसफॉर्मेशन एंड आउटपुट इज GIS प्लेटफॉर्म. कैसे कैसे ये काम करता है GIS डेटा के इनपुट के बाद तो वो देख लेते हैं. जैसे डेटा क्या होता है हमारे पास जो डेटा होता है जैसे टोपो शीट्स होती हैं एरियल फोटोग्राफ रिमोट सेंसिंग इमेजरीज होती हैं ग्राउंड ट्रूथ देता है जो GPS से हम कलेक्ट करते हैं तो ये जो भी डिजिटल फॉर्मेट में रहता है उसको एक्सेप्ट करता है GIS. तो वो डेटा हो गया डेटा टाइप्स हो गया. फिर जो डेटा टाइप इनपुट होता है इन कंप्यूटर में जाता है. कैसे जाता है मान लो अगर डायरेक्ट जा रहा है डिजिटल फॉर्मेट्स में तो वो तो ठीक है लेकिन जो नॉन डिजिटल फॉर्मेट्स में जैसे मैप्स वगैरह टोपो शीट्स हैं एरियल फोटोग्राफ्स हैं ये भी नॉन डिजिटल फॉर्मेट में रहेगा तो ये सारी जो है हमारे पास जो हमारे पास हमने देखे थे डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए जैसे डिजिटाइजर है माउस है स्कैनर है कीबोर्ड्स है एंट्री करके हम डेटा को तो ये डेटा इनपुट डिवाइसेज हो गए जो डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे. तो ये हमारे पास नॉन डिजिटल फॉर्मेट हो गया और ये हमारे पास कन्वर्ट करेंगे डिजिटल फॉर्मेट में. तो ये हमारे पास डेटा इनपुट डिवाइसेज हो गए. फिर डेटा इनपुट फॉर प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग के लिए गया डेटा जो भी हुआ फिर उसका एनालिसिस एंड ट्रांसफॉर्मेशन हुआ. स्पेशल डेटा मिला हमें नॉन स्पेशल डेटा मिला कहीं कहीं हमारे पास दोनों कंबाइंड मिला. स्पेशल डेटा का लोकेशन और नॉन स्पेशल डेटा उसके एट्रीब्यूट्स या करेक्टरिस्टिक के बारे में और या फिर हमारे पास कंबाइंड भी होता है. तो ये हमारे पास जनरली डेटा चला गया अब उसकी एनालिसिस करते हैं हम जो भी हमारे पास डेटा अवेलेबल होता है उसका एनालिसिस करते हैं. एनालिसिस किया और जो भी हमें रिजल्ट चाहिए था वो हमारे पास शो कर दिया डिस्प्ले कर दिया. लेकिन डिस्प्ले करने के बाद क्या हमें प्रिंट आउट चाहिए तो प्रिंट आउट किससे निकला प्रिंटर से निकला प्लॉटर से भी निकाल सकते हैं अगर बड़ी इमेज है तो कोई बड़ा मैप है तो फिर मॉनिटर क्या डिस्प्ले कर देगा. तो ये सब क्या आउटपुट है हमारे पास. तो जनरली GIS कैसे काम करता है सबसे पहले डेटा को लेते हैं हम तो भले ही वो नॉन डिजिटल फॉर्मेट हो उसको फिर हम कन्वर्ट करते हैं डिजिटल फॉर्मेट में किसकी मदद से डेटा इनपुट डिवाइसेस की मदद से कीबोर्ड हो गया डिजिटाइजर माउस स्कैनर. फिर उसके बाद हमारे पास प्रोसेसिंग होती है तो जब हमारे पास स्पेशल नॉन स्पेशल या फिर कंबाइंड डेटा मिल जाता है उसको हम एनालिसिस करते हैं और ट्रांसफॉर्म करते हैं. जब रिजल्ट मिलता है तो उसको डिस्प्ले करते हैं या फिर प्रिंट आउट निकाल के आउटपुट निकालते हैं तो डेटा आउटपुट हो जाता है हमारे पास प्रिंटर मॉनिटर प्लॉटर एंड ऑप्टिकल मैग्नेटिक मीडिया की वजह से. तो सिंपल से फॉर्मेट्स है पर ये क्या सब कुछ फास्ट होता है हमारे पास GIS खुद के खुद करता है हमें बस डेटा इनपुट उसको देना होता है. तो डेटा इनपुट क्या है इट कैन बी डन विद द यूज ऑफ मेनी टूल्स सच एज स्कैनर्स माउस डिजिटाइजर वर्ड प्रोसेसर एंड स्प्रेडशीट्स. तो ये डेटा इनपुट हमने पढ़ लिया कन्वर्ट करना है डेटा इनपुट डिवाइसेस से. फिर हमारे पास है स्टोरेज एंड मैनेजमेंट. स्टोरेज मैनेजमेंट ऑफ जियोस्पेशियल डेटा इज प्रोग्राम यूजिंग GIS सॉफ्टवेयर लोकेशन लिंकेज टोपोलॉजी एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ जियोग्राफिकल एलिमेंट्स आर स्ट्रक्चर्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज इन एन एट्रीब्यूट डेटाबेस एनवायरनमेंट. तो डेटाबेस मैनेजमेंट के थ्रू उसको स्टोर और मैनेज करता है हमारे पास उसकी लोकेशन या फिर जो भी लिंकेज अवेलेबल है टोपोलॉजी या फिर एट्रीब्यूट्स नॉन स्पेशल डेटा वो सारा मैनेज करता है GIS. उसके बाद है हमारे पास डेटा एनालिसिस एंड ट्रांसफॉर्मेशन. डेटा का जो भी हमें काम है जिस चीज़ के पर्पज़ के लिए लिया है उसके प्रोसेसिंग करते हैं डेटा एनालिसिस करते हैं. इज अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ GIS अप्लाई टू द डेटा इन ऑर्डर टू अचीव द आंसर टू द क्वेश्चन आस्क्ड टू द GIS. बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन इन GIS इज टू रिमूव एरर इन द डेटा सेट्स एंड मेक देम रेडी टू मैच विद द अदर डेटा सेट. तो हमारे पास अगर कोई भी डेटा का ओवरले करना है तो हमारे पास सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम होना चाहिए तो वो सारी एरर को हमें अपने खुद से रिमूव करना होता है तो वो चीज़ ध्यान देनी है नहीं तो GIS के डिफरेंट रिजल्ट देता है. उसके बाद हमारे पास डेटा आउटपुट. डेटा आउटपुट क्या है द आउटपुट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ जियोग्राफिकल डेटा इज करेक्टराइज्ड बाय डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस. इट मे बी प्रेजेंटेड एज मैप. जो आउटपुट मिलता है वो मैप के फॉर्म में हो सकता है टेबल के फॉर्म में फिगर्स में बाय वेरियस वेज यूजिंग कंप्यूटर मॉनिटर
to display, printers and plotters for hard copy display, and magnetic optical tapes for storage in the digital format. तो हम digital format में भी या hard copy में या फिर table वगैरह के form में जिसमें हमें output चाहिए उसमें JIS से मिल जाता है। उसके बाद हमारे पास fourth component है पीपल। The tremendous growth of the GIS technology in the early 1990s has led to the increased attention on the user aspect of human factor in GIS development based on the information needs and the way they interact with the system. GIS users are classified as viewers, general users and GIS specialists. अब यूजर जो है हमारे पास मीन्स GIS को जो यूज कर रहे हैं वो पीपल ही करेंगे, ह्यूमन ही करेंगे। तो ह्यूमन की नॉलेज पर डिपेंड करता है कि वो कैसे उसको यूज कर रहे हैं GIS को। तो बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन नीड्स हमें क्या रिजल्ट चाहिए, क्या आउटपुट चाहिए, क्या क्वेश्चन हमने GIS से पूछा है उस बेस पे हमारे पास GIS काम करता है। तो वो काम क्या मतलब कि हम ह्यूमन कैसे उसको GIS को यूज कर रहे हैं, कैसे द वे दे इंटरेक्ट विद द सिस्टम, ये उस पर डिपेंड करता है। तो ये भी एक फैक्टर अफेक्टिंग हो गया GIS का। तो कॉम्पोनेंट्स होता है हमारे पास पीपल कॉम्पोनेंट ऑफ GIS में देखा जाए तो कुछ GIS स्पेशलिस्ट्स होते हैं या फिर जनरल यूज़र होते हैं और कुछ व्यूअर्स होते हैं। अब GIS स्पेशलिस्ट है तो बहुत सारी नॉलेज होती है GIS के बारे में, अभी उनको देख लेते हैं। जैसे व्यूअर्स कौन से होते हैं, पीपल हु ब्राउज जियोग्राफिकल डेटाबेस फॉर देयर रेफरेंशियल इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड व्यूअर्स। तो मीन्स हमारे पास जो भी मान लीजिए कोई रिमोट सेंसिंग इमेज है, हमने वो GIS सॉफ्टवेयर में ओपन कर लिया और फिर जो भी हमें देखना है वो व्यूअर्स हो गया, मीन्स उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है इतनी। व्यूअर्स आर द यूजर्स हुज प्राइमरी रिक्वायरमेंट इज़ टू ईजिली एक्सेसिबल जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन यूजिंग द सिस्टम। तो ऐसे भी होता है कि हमारे पास कोई मैप है या फिर हमने कोई भी डिजिटल फॉर्मेट में डेटा ले रखा है, रिमोट सेंसिंग डेटा, अगर हम किसी भी पॉइंट पे लोकेशन जानना चाहते हैं तो उसके लोकेशन इन्फॉर्मेशन या जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन हम गैदर कर सकते हैं। तो ये जनरली उसका पर्पज़ जो होता है कुछ पीपल्स का व्यूअर्स व्यू करना ही होता है। उसके बाद है जनरल यूजर्स। जनरल यूजर्स में क्या, पीपल हु यूज GIS फॉर जनरल पर्पज सच एज फॉर बिजनेस। तो कुछ जो है हमारे पास GIS को बिजनेस के लिए यूज करते हैं, प्रोफेशनल सर्विस एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कॉल्ड एज जनरल यूजर्स। लिस्ट ऑफ जनरल यूजर्स इंक्लूडिंग साइंटिस्ट, इंजीनियर, लॉयर्स, एंटरप्रेन्योर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, प्लानर्स, फैसिलिटी मैनेजर्स, पॉलिटिशियंस, ये सब हमारे पास जनरल यूजर्स हैं, नाम से पता चल रहा है। फिर GIS स्पेशलिस्ट आते हैं, दे आर द पीपल हु प्लान एंड डेवलप GIS सॉफ्टवेयर। तो जो है GIS सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी लिमिटेशंस हैं उनको एलिमिनेट करते हैं, वो GIS स्पेशलिस्ट ही कर सकते हैं। GIS मैनेजर हो गया, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स, GIS एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट, सिस्टम एनालिस्ट एंड प्रोग्रामर्स, ये सारे क्या GIS स्पेशलिस्ट के अंदर आते हैं। तो जो भी इंटरेक्ट करते हैं GIS सॉफ्टवेयर के साथ वो हमारे पास उसके कॉम्पोनेंट बन जाते हैं। तो पीपल भी, पीपल के अंदर व्यूअर है, जनरल यूजर है और GIS स्पेशलिस्ट है। उसके बाद हमारे पास मेथड्स। इन एन ऑर्गेनाइजेशन GIS ऑपरेट सक्सेसफुली अकॉर्डिंग टू ए वेल डिजाइंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स एंड द रूल्स। बेसिकली प्लान्स एंड रूल्स इंक्लूडिंग द मॉडल्स एंड ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस विच आर यूनिक टू ईच ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स इन मैनी ऑर्गेनाइजेशन GIS इज नॉट ऑप्टिमली यूज इन स्पाइट ऑफ कॉस्टली हार्डवेयर एंड सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर पैकेजेस सिंस द ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट आर नॉट प्रॉपरली लुक्ड इनटू। तो हमारे पास मेथड के अंदर क्या है, तो हमारे पास द पीपल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज दे पजेस वेरियस स्किल टू हैंडल एंड वर्क विद द जियोग्राफिकल डेटा एंड रन GIS। तो हमारे पास किस मेथड में हम GIS या किस पर्पज़ के लिए यूज कर रहे हैं, कुछ हमारे पास स्किल्ड पर्सन भी होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में और किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होते हैं। तो मेथड है कि कौन से मेथड से हम उसको यूज कर रहे हैं, GIS को किस पर्पज़ के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ वेरी करता है। The people working in an organization are also important because they possess various skill to handle and work with geographical data and run GIS. तो कुछ skill persons भी होते हैं, people होते हैं किसी भी organization में, they can be able to design, program and maintain GIS, जिनको GIS को अच्छे से use करना आता है। जैसे कि एक example दे रहा कि हमारे पास जो भी GIS data है उसको collect किया, manage किया, फिर उसके बाद वो किसी को अगर modeling, time series, सारा analysis कर लिया उस data का, तो अब उसको डिसीजन मेकिंग करना है। तो अगर उसको अच्छे से नॉलेज है तो दे सप्लाई डेटा, डू सुटेबल एनालिसिस, इंटरप्रेट दम एंड मेक डिसीजन एट स्ट्रेटेजिक लेवल। तो ये यूजफुल है। तो वही है मेथड कि कौन से मेथड से हम GIS का यूज़ कर रहे हैं। फॉर मेनी ईयर्स GIS हैज़ बीन कंसिडर्ड टू बी वेरी डिफिकल्ट, एक्सपेंसिव एंड प्रोप्राइटरी
However, with the advent of the geographical user interface, powerful and affordable hardware and software and public digital data has broadened the range of GIS applications and brought GIS to the mainstream use. तो GIS का आजकल यूज भी काफ़ी हो रहा है, लेकिन साथ के साथ क्या थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्किल और नॉलेज वाले पर्सन नहीं मिल रहे हैं. टू डिफिकल्ट, एक्सपेंसिव एंड प्रोप्राइटरी. उसके बाद हमारे पास ये लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, ये भी देख लेते हैं कि GIS एज साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है. और लाइक ऑल साइंसेज एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ GIS इज ए जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन साइंस इज ए मेथड फॉर डिस्कवरिंग न्यू नॉलेज. तो ये GIS का क्या है, न्यू नॉलेज के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं. दिस सपोर्ट्स द ट्रांसपेरेंसी ऑफ एजम्पशंस एंड मेथड्स एंड हेल्प टू नो हाउ प्रीवियस नॉलेज वॉज डिस्कवर्ड इन द एडिशन टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज. तो हमारे पास किसी भी चीज़ में कुछ भी चेंज लाना होता है तो GIS की हेल्प से ला सकते हैं, क्योंकि कंपैरिजन कर सकते हैं लास्ट वाली नॉलेज, लास्ट वाली की जो भी इन्फॉर्मेशन थी लास्ट वाले ऑब्जेक्ट की, उसके करेक्टरिस्टिक को एनालाइज करके हम न्यू नॉलेज को गैदर कर सकते हैं. एज यू नो जियोग्राफी इज द कंसर्न विद द पैटर्न्स एंड प्रोसेस दैट डिस्क्राइब द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ बाई नोइंग जियोग्राफी एंड रिलेशनशिप ऑफ द पीपल टू द लोकेशन. जियोग्राफी पता है क्या होती है, कि किसी भी अर्थ सर्फेस पर किसी भी चीज़ की लोकेशन जानना. By knowing geography and relation of the people to the location, we can inform decision about the way we live our planet Earth. तो कुछ भी geographical information available अगर हमारे पास होगी तो उसके बारे में relation last वाली की चीज़ में और जो नई knowledge मिलेगी उसको compare करके हम अपने आपको live को living को better कर सकते हैं. Now we have been doing this by using GIS where we are using it both as science and technology. GIS has been working in the following two ways, involving the use of the particular class of software, associated hardware tools and digital geographical data in order to advance some specific purpose, and it help in technology making. तो ये हमारे पास GIS का कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, जो सॉफ्टवेयर है उसका हार्डवेयर है, जो डिजिटल ज्योग्राफिक डेटा हम उसको करके किसी भी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज कर सकते हैं. उसके साथ साथ ये टेक्नोलॉजी मेकिंग इन्वॉल्विंग द एडवांसमेंट ऑफ द टूल्स कैपेबिलिटी. तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है जितना कि हमने ऊपर कंपोनेंट्स पढ़ा है. ऑन द अदर हैंड, GIS एज ए साइंस इज कंसर्निंग विद द एनालिसिस ऑफ द फंडामेंटल इश्यूज रेज्ड बाय द यूज ऑफ GIS. टेक्निकली GIS इनकॉर्पोरेट्स स्पेशल डेटा विद द एट्रीब्यूट डेटा. दिस कपल डेटा इज यूज टू मैप, एनालाइज एंड असेस रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स. तो जब हमारे पास रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जो भी है उसको कैसे ये एनालाइज करता है, एट्रीब्यूट डेटा को कैरी करता है, मींस नॉन स्पेशल डेटा जो टेबुलर फॉर्म में होता है और साथ के साथ स्पेशल डेटा, उन दोनों को एनालाइज करके रियल वर्ल्ड की जितनी भी प्रॉब्लम्स है या जो भी एप्लीकेशंस होती हैं जनरली, उसको GIS के थ्रू सॉल्व किया जाता है. जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन साइंस प्रॉब्लम सॉल्विंग साइंस सिस्टम जो है GIS जो है, GIS इज प्रॉब्लम सॉल्विंग साइंस एड्रेसिंग वेरियस इश्यूज ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरिट्स ऑफ द GIS एज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल लाइज इन इट्स एबिलिटी टू कंबाइन द जनरल विद स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स. द सॉफ्टवेयर ऑफ ए GIS कैप्चर्स एंड इम्प्लीमेंट जनरल नॉलेज वाइल द डेटाबेस ऑफ ए GIS रिप्रेजेंट्स स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन. तो जो भी हमारे पास GIS के अंदर से इंफॉर्मेशन मिलती है एक स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए ही मिलती है. मीन्स इसका एक लिमिटेशंस भी यही है कि हमारे पास रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से नहीं, इसका एक अलग से डेटाबेस जो देता है वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देता है. GIS सॉल्व्स द इंसेंट प्रॉब्लम्स ऑफ द कंबाइनिंग जनरल साइंटिफिक नॉलेज विद स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एंड गिव्स प्रैक्टिकल वैल्यू टू बोथ. GIS इज ऑल्सो पावरफुल यूजर सपोर्ट टूल डेट अलाउ नॉट ओनली मैनेजिंग एट्रीब्यूट डेटा बट ऑल्सो टू कलेक्ट प्रोसेस इंटीग्रेट मैनेज एंड एनालाइज स्पेशल डेटा. तो ये एट्रीब्यूट डेटा के साथ साथ स्पेशल डेटा को भी एनालाइज करवाता है, एनालाइज कलेक्ट इंटीग्रेट मैनेज एंड प्रोसेस करता है. इट पजेसेस फंक्शनैलिटी विच आर सिमिलर टू अदर टाइप्स ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट ऑल्सो पजेसेस फंक्शनैलिटीज विच आर यूनिक इन नेचर. दिस यूनिकनेस डिफ्रेंशिएट्स इट विद अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स. इट हैज़ ए फ्रेमवर्क ऑफ फोर कोर फंक्शनैलिटीज सच एज स्पेशिंग. तो चार
कोर फंक्शंस होते हैं जेआईएस के, स्पेशल इमेजिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, डिसीजन मॉडलिंग, डिजाइन एंड प्लानिंग। स्पेशल इमेजिंग का मतलब है इट इज़ द फंक्शनैलिटी ऑफ द जेआईएस टू रिप्रेजेंट डेटा एंड इन्फॉर्मेशन इन अ डेफिनेट कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे कि कोई मैप है तो वो किसी पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रहेगा, तो स्पेशल इमेजिंग ये इसका एक कोर फंक्शनल है जीआईएस का, स्पेशल इमेजिंग। उसके बाद हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट, इट रेफर्स टू द जीआईएस कैपेबिलिटी टू कलेक्ट, स्टोर, एनालाइज एंड प्रोवाइड एक्सेस टू डेटा। फिर है डिसीजन मॉडलिंग, इट इज़ ए जीआईएस कैपेबिलिटी फंक्शन विद एनालिटिकल एंड डिसीजन मेकिंग टूल फंक्शनैलिटी। डिजाइन एंड प्लानिंग में भी हेल्प करता है, इट इज़ ए फंक्शनल इन विच जीआईएस टूल्स आर यूज फॉर क्रिएशन, डिजाइनिंग एंड प्लानिंग। देयर आर सेवरल अदर GIS applications which can be used by applying the core GIS functionality. Some of these include surveying, automated mapping, facilities management, market analysis, logistics, transportation, strategic decision making, engineering and design and planning. तो GIS जो है एक साइंस और टेक्नोलॉजी की तरह भी काम करता है, और मेन वही है कि एप्लीकेशन क्या क्या है GIS का, वो चीज़ें ध्यान रखनी है। मार्केट एनालिसिस, ऑटोमेटेड मैपिंग में भी, सर्वेइंग में, फैसिलिटी मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रेटेजी, डिसीजन मेकिंग में, डिजाइन एंड प्लानिंग में, सारे एप्लीकेशंस हैं हमारे पास। अब हमारे पास साइंस पता है, टेक्नोलॉजी क्या पता है। साइंस इज ए कंसर्न विद द डिस्कवरी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज इन विच साइंटिफिक नॉलेज कम्स थ्रू बाई एम्प्लॉइंग साइंटिफिक मैथड्स ऑफ और एक्सपेरिमेंट्स। और टेक्नोलॉजी क्या, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंस, ये हमारे पास है नॉलेज गेन करना, साइंटिफिक मेथड्स या एक्सपेरिमेंट से नॉलेज गेन करना, वो साइंस कहलाता है। और उसका एप्लीकेशन करना साइंस का, या नॉलेज जो भी हमने ली उसको अप्लाई करना, इज़ द इन डिजाइन, प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द ऑर्गेनाइजेशनल ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। और ह्यूमन एक्टिविटीज वगैरह में उसको जो भी हमने साइंस से इंफॉर्मेशन गैदर किया उसका एप्लीकेशन करना, वो टेक्नोलॉजी कहलाता है। तो जीआईएस जो है वो दोनों है, साइंस भी है, मींस उससे एनर्जी हम नॉलेज गेन भी कर सकते हैं, और उसको अप्लाई करके एप्लीकेशन भी करके टेक्नोलॉजी भी की तरह यूज कर सकते हैं। जीआईएस जो है वो साइंस भी है और टेक्नोलॉजी भी है। तो इसके बाद हम यूनिट 2 पढ़ेंगे, जिसके अंदर जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे पास जीआईएस के अंदर, डेटा मॉडल्स एंड डेटा टाइप्स भी देखेंगे, डेटा मॉडल्स भी देखेंगे उसके, और स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर्स यूनिट 2 के अंदर देखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट बन जाएगी जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर, मेरा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।